Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Hrishikesh Roy. So guys, indexing, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? Of course, digital marketing से related हो तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आपको इसकी proper knowledge नहीं है तो मैं आज आपसे वही share करने वाला हूँ. Guys, indexing start करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस चैनल में मैं डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स बताता हूँ, डेफिनेशन बताता हूँ, सो दैट यू कैन गेट टू नो. और लाइक जरूर करना अगर वीडियो अगर पसंद आए. चलिए शुरू करते हैं. गाइस, इंडेक्सिंग गूगल का वो प्रोसेस है जिसमें वो आपके नए कॉन्टेंट को अपने डेटाबेस में सेंड करता है. एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई आज एक नया ब्लॉग लिखा, अगर वो ब्लॉग गूगल ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर कंटेंट को एज इट इज गूगल ने अपने डेटाबेस में सेंड कर दिया, तो समझ लेना आपकी इंडेक्सिंग हो गई है. क्यों? क्योंकि जब तक गूगल आपके कंटेंट को अपने डेटाबेस में नहीं सेंड करेगा तब तक आपके ब्लॉग का रैंक होने का कोई भी चांस नहीं है. रीजन बीइंग, क्योंकि गूगल सिर्फ और सिर्फ अपने यूजर को रिजल्ट्स वही दिखाता है जो कि उसके डेटाबेस में ऑलरेडी सेव होता है. तो ये जो आपका कॉन्टेंट लिखने से लेके उसका गूगल क्रॉलिंग करके, क्रॉलिंग मतलब आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद वो डेटाबेस में जो वो भेजता है, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर इंडेक्सिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो रैंक ही नहीं करेगा, आपका पेज जो है वो रैंक ही नहीं करेगा. अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊंगा कि कैसे आप ये चेक करो कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट की इंडेक्सिंग आपकी हुई है या नहीं हुई. तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपने कोई नया ब्लॉग लिखा है, अगर उसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई तो वो रैंक नहीं करेगा, बट आप चाहते हो कि आप पता लगाओ कि उसकी इंडेक्सिंग हुई हुई है या नहीं, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू गो टू द google.com. google.com पे वो जो सर्च बार है आपका, उस सर्च बार में आपको सिर्फ एक चीज लिखना है, वो है SITE: नॉट सेमीकोलन, कोलन. उसके बाद www. जो भी आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो www से स्टार्ट होती है तो लिखना, अगर नहीं है तो सिर्फ अपनी वेबसाइट का जो भी abc.com जो है वो लिखना और एंटर करना. उसके बाद आप चेक करना कि अगर आपके रिजल्ट दिखा रहे हैं वहां पर, आपके आपकी वेबसाइट के पेजेस दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो साइट है वो इंडेक्स होना शुरू हो गई है. और अगर आपको स्पेसिफिक कोई पेज देखना है कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ ये करना है SITE: और आपका जो पूरा पेज का URL पेस्ट करके एंटर करना है. तो इससे गूगल आपको दिखाएगा कि आपका पर्टिकुलर कोई पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है. अगर वो वहां पर दिखा रहा है कि हाँ, पेज का स्निपेट आपको दिखा रहा है गूगल सर्च रिजल्ट में, तो कंग्रेचुलेशन, आपका जो पर्टिकुलर ब्लॉग है या आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो चुकी है. अब आपकी जो साइट है या पर्टिकुलर कोई ब्लॉग या कॉन्टेंट है वो रैंक करने के लिए एलिजिबल है. जब तक इंडेक्स नहीं होगा, नो एलिजिबिलिटी, बट जहां की इंडेक्स हो चुका है तो आप एलिजिबल हो जाते हो. इंडेक्सिंग का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप रैंक कर जाओगे. रैंक इज अ डिफरेंट थिंग. किसी कीवर्ड पर रैंक होना, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट इंडेक्सिंग होना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रैंकिंग में. तो गाइज, इंडेक्स करवाते रहिए. सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो ये है गाइज, कि अगर आपके वेबसाइट के अंदर कॉन्टेंट का फ्लो बहुत कम है, मतलब आप एक हफ्ते में एक बार कॉन्टेंट अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट में, आप महीनों में एक कंटेंट अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट में, तो उसका जो लॉस ये है कि आपकी इंडेक्सिंग का फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत धीरे होती है. मतलब आपकी साइट में जो क्रॉलर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रीक्वेंट पब्लिशर नहीं हो या फ्रीक्वेंट कॉन्टेंट आप नहीं देते अपनी वेबसाइट के अंदर, जिस वजह से गूगल क्या करता है, अपने बॉट्स को आपके साइट में बहुत दिनों बाद भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि आप महीने में एक ब्लॉग अपलोड करते हो या फिर कंटेंट अपडेट करते हो. तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स हुआ करे, तो आपको कंटेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, कंटेंट अपलोड ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, नए नए फ्रेश यूनिक कॉन्टेंट्स आपको ज़्यादा अपलोड करने पड़ेंगे. तो गाइस, कैसा लगा आपको ये इंडेक्सिंग का डेफिनेशन? स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इंडेक्सिंग से रिलेटेड, या फिर आपको समझ नहीं आया जो मैंने आपको बताया, आप मुझे कमेंट में बताओ. और अगर आपको सच में समझ आ गया और क्लियर है चीजें, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो गाइस कर लो, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि आई एम जस्ट ऑन डेली बेसिस अपलोडिंग वीडियोज ऑन डिजिटल मार्केटिंग.